आइए सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए कहा कि खाली है अभी जाम, मैं कुछ सोच रहा हूँ, ऐ गर्दिश अय्याम मैं कुछ सोच रहा हूँ। खाली है अभी जाम, मैं कुछ सोच रहा हूँ, ऐ गर्दिश अय्याम मैं कुछ सोच रहा हूँ। पहले बड़ी रगबत थी तेरे नाम से मुझको, अब सुन के तेरा नाम मैं कुछ सोच रहा हूँ। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए और आवाज़ दी जाए बजहमत गुजार हूँ मोहतरम अभिनव साहब से, जो बराए मेहरबानी माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम को। चलिए तन्मय ने बोला कविताएं लिखता हूँ, मैं कविताएं लिखता ही नहीं हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ। लेकिन बात यह है कि ये ऐसा मंच नहीं है जहाँ पे कहानियाँ सुनाई जा सके, और सुनाना मुझे कहानियाँ पसंद भी नहीं है। मुझे लगता है कि कहानियाँ पढ़ी जाए तो उसका अलग आनंद आता है, इसलिए मैं कहानियाँ लिखता हूँ, कविताएँ बहुत कम लिखता हूँ। और सुखबंदी तो स्वच्छंद कविताएँ लिख देता हूँ कभी कभी, ऐसे ही छंदबद्ध कविताएं मैं न लिखने की कोशिश करता हूँ न लिख पाता हूँ। एक आध कविताएं लिखी हैं छंदबद्ध, एक एक शायद हाँ छंदबद्ध बस लिखी है लखनऊ के ऊपर, वो शायद सुन भी चुके होंगे एक दो लोग यहाँ पे। इसके अलावा और हाँ, सबसे पहले तो मैं भूल ही गया, थैंक यू, आप लोग इतने बड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनके सामने कुछ बोलना तो अपने आप में कहते हैं सूरज को दिए दिखाने के बराबर है, लेकिन अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो बोलना पड़ रहा है, मजबूरी है। हाँ, मैंने काफ़ी बार फ़ोन किया, कम से कम मुझको लगता है कोई और होगा तो वो धैर्य छोड़ देगा, वो बुलाया नहीं। कम से कम 10 बार फ़ोन किया होगा, मैं उठाता नहीं था। फिर मैं सुबह मैंने कॉल की तो फिर तन्मय नहीं उठाया, फिर मैंने कॉल की, तो यही होता था हम लोग का। तो एक छोटी सी कविता है, छंदमुख है, बिजली का खंभा। एक तंग गली उसमें खड़ा रहता है बिजली का एक खंभा, बिना किसी सहारे के गर्मी सर्दी बरसात झेलता। उससे जुड़ा है तारों का एक जाल, कुछ वैध कुछ अवैध तार, पर वो विरोध नहीं करता, सबके घर रोशन करता है बराबर, किसी को न कम न किसी को ज्यादा, कुछ के तो बिना हजाने के भी, कुछ इश्तेहार भी चिपके हैं इस पर, राजनीति शिक्षा व्यापार और सरकारों के, वो सब में समन्वय बिठाकर रखता है, कोई इश्तेहार रूठे तो मनाता भी है, कई खुद उखड़ कर गिर भी जाते हैं, वो खुद किसी में हाथ नहीं लगाता, कभी गुस्सा हो तो खुद में करेट दौड़ा लेता है और खून चूस लेता है वो खंभा, कभी भ्रम भी होता है उसके इंसानों का। एक है इसी तरह के, अगर मैं स्वच्छंद कविताएं भी लिखता हूँ तो वो इसी तरह के टॉपिक पे होती हैं। अगली है बेल्ट, जो हम लोग बेल्ट लगाते हैं, ये बंधी रहती है कमर से तथा कथित इंसानों की, कभी सरकने नहीं देती उनके दोगलेपन को, कई मरे हुए जानवरों की चमड़ियाँ उधेड़ दी जाती हैं इसके निर्माण में, फिर चढ़ा दी जाती है पेंट इस पर छुपाने के लिए मानवीय हिंसा के अवशेषों को। इसका निर्माण होता है चमार की नोची हुई खाल से, फिर इसी से नोची जाती है खाल चमार की और बनाई जाती है तटिया उनके लिए मांस के लोथड़े छिपाने को। ये खींच लेती है खाल पुलिस बनकर बेगुनाहों की, और समाज बनकर पिंजरे के आकाश में विचरती जंजीरों में बंधी स्वतंत्र स्त्रियों की। कुछ दिनों में इसकी पेंट निकल जाती है, बसती है सिर्फ चमड़ी और इसे पूरे दान में फेंक दिया जाता है। और एक बस लास्ट, आज वो अकेला बैठा है, उससे बातें करने वाला कोई नहीं, सब खुद से बातें करने में व्यस्त हैं। वो अपनी बातें लहरों के कागज पर लिख दूसरे छोर पर बैठे साथी को भेजता रहता है, उधर से जवाब देर में आए तो वो खुद स्थिरता से उदासी व्यक्त करता है, कभी लहरें उसका संदेश ले जाने से मना करें तो वो क्रोध में खुद को काटता चला जाता है। अब लहरें भी थक सी गई हैं, वो उसका संदेश नहीं रो सकती, पर अब वो खुश रहने लगा है क्योंकि उसका साथी सिमट कर उसके पास आता चला जा रहा है। बस अब वो उस दिन के इंतजार में है जब वो अपने साथी से मिल सकेगा, उसे लहरों की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि नदियां सूख रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत उम्दा।